हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेट पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इसको मैंने ग्रामर की ABCD से शुरू करने की कोशिश की है इस वीडियो को, जिसमें आप सबसे पहले ग्रामर के बारे में इसके फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में दो वर्ड हैं, पहला है इंग्लिश और दूसरा है ग्रामर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश क्या है। तो इट इज़ अ लैंग्वेज, ये एक भाषा है, मोस्टली स्पोकन इन इंग्लैंड, ज़्यादातर इस भाषा को इंग्लैंड में बोला जाता है। बट नाउ इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, लेकिन आज अंग्रेजी दुनिया के सभी हिस्सों में बोला जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट्स, तो हम लैंग्वेज को भी डिस्कस कर लेंगे। लैंग्वेज अ मीन्स बाय विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज, थॉट्स, आइडियाज। भाषा, भाषा बेसिकली एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे के विचारों को भी हम सुनते हैं। तो इंग्लिश एक भाषा है और ये इंग्लिश एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला है हमारा साइन या सिंबल लैंग्वेज, यानी चिन्हों के द्वारा भाषा अभिव्यक्त करने का। जो मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे पहली जो भाषा है वो हमारा साइन लैंग्वेज है। यानी जब आदि मानव इस धरती पर आए थे तो उस समय ना कोई भाषा थी ना कोई लिपि थी, तो उस समय वो साइंस, सिंबल्स, चिन्हों का प्रयोग करके या फिर अपने एटीट्यूड के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से अपना विचार संप्रेषण करते थे, अपनी बातों को किसी अगले के सामने रखते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया और उसके बाद इंसानों ने ध्वनि, एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालना सीखा और इसको हम ओरल लैंग्वेज यानी कि मौखिक भाषा के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला जो टर्म है, वो अगला स्टेप जो है भाषा विकास का, वो आता है रिटेन यानी लिखित भाषा। इसमें हम अपने बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने लिख कर प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैं इस वीडियो को आपके सामने लिखित भाषा में, लिखित और मौखिक दोनों तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो मैंने बोर्ड पर जो साइंस लिखे हैं, जो ये एक विशेष प्रकार का अल्फाबेट्स लिखा है, ये किसी न किसी भाषा से संबंधित है। और हर एक भाषा को लिखने का एक निश्चित शैली होता है, हर एक भाषा को लिखने का एक अपना स्टाइल होता है, जिसे कि हम स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट को स्टूडेंट्स हम हिंदी में लिपि कहते हैं। यानी हर एक भाषा को लिखने का एक अपना स्टाइल है, जिस स्टाइल को हम लिपि कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि अब मैं लिपि को और थोड़ा क्लियर करते जा रहा हूँ आपके सामने। सपोज कि हमने मुंह से स्पेल किया क, क, तो क जो है, जो मैंने मुंह से बोला, ये मौखिक भाषा होगा। लेकिन क लिखने का तरीका हिंदी में ये है, जबकि इंग्लिश में हम क को ऐसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको भी हम क बोलेंगे और इसको भी हम क बोलेंगे, लेकिन इन दोनों एक ही साउंड को लिखने के तरीके अलग अलग हो गए, यानी लिखने के स्टाइल अलग अलग हो गए, यानी हमारी लिपि बदल गई। अभी ये जो हमारा क है, ये देवनागरी लिपि में है, और ये जो हमारा क है, ये रोमन लिपि है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिपि भी समझ गए होंगे। इंग्लिश के बाद अब आते हैं ग्रामर पर। ग्रामर क्या है? तो ग्रामर को स्टूडेंट हम हिंदी में
व्याकरण कहते हैं। भाषा प्रयोग के अपने नियम हैं और इन नियमों के बारे में जानकारी हमें लैंग्वेज के ग्रामर सेक्शन से ही मिलती है। तो सबसे पहले ग्रामर के डिफिनेशन क्या है इसको समझ लें। ग्रामर, इट इज ए सेट ऑफ लॉ, ग्रामर एक कानून है, ग्रामर विधान है, ग्रामर कायदा है जो हमें बताता है किसी भी भाषा को कैसे हम शुद्ध बोलें, शुद्ध लिखें। उसी प्रकार से ये इसका डेफिनेशन हुआ, इट इज ए सेट ऑफ लॉ, इट टीचेज अस टू स्पीक और राइट करेक्टली। व्याकरण हमें, वर्तनी हमें भाषा को शुद्ध शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश ग्रामर को मुख्यतः पांच भागों में बांटा गया है और ये है हमारे पांचों भाग। सबसे पहला है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हम वर्ण विचार कहते हैं। ग्रामर के इस सेक्शन में हम लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे, वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट होता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है, लेटर होती है, और इस सेक्शन में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अगला है स्टूडेंट्स एटिमोलॉजी, जिसको हम शब्द विचार कहते हैं। अब कई सारे अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, तो ग्रामर के इस सेक्शन में, एटिमोलॉजी सेक्शन में, हम शब्द विचार यानी शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो है हमारा ग्रामर का इम्पोर्टेंट पार्ट है सिंटेक्स, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंकर्ड इत्यादि नामों से जानते हैं। तो सिंटेक्स को हम हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर का वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को स्टूडेंट्स हम विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे विराम चिन्ह कामा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इन्वर्टेड कामा हो गया, हाइफन हो गया, ब्रैकेट हो गया, ये सभी बहुत तरीके के पंक्चुएशंस का यूज हम अपने लैंग्वेज में करते हैं। और अंतिम जो है हमारा प्रोसोडी, जिसको हम छंद विचार कहते हैं। प्रोसोडी में हम पोएट्री, भर्स इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं, उनके कविताओं की जो पंक्तियां होती हैं, जो छंद होते हैं, उनके उनके लेंथ के बारे में, उनके मीटर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा सबसे अंतिम सेक्शन है। अब एक एक करके इस शॉर्ट वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने का कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला हमारा जो ग्रामर का इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। इट डील्स विथ इंग्लिश अल्फाबेट एंड स्पेलिंग सिस्टम। इसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। अब देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स या कईयों को मैंने सुना है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं, तो वो कहते हैं 26। जी नहीं, अल्फाबेट एक है और उस अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। लेटर को हम, लेटर एक वर्ण हुआ, जबकि अल्फाबेट जो है वो हमारा वर्ण माला है, यानी इस माला में, इस माला में 26 मोती हैं, जिसको आप ए से जेड तक जानते ही होंगे, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके जेड तक। ये टोटल 26 लेटर्स हैं और ये 2600 लेटर मिलकर एक अल्फाबेट बनाते हैं। अब इस 26 लेटर्स
को दो हिस्सों में बांटा गया है। चलो स्टूडेंट्स, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमने पहले भी डिस्कस किया कि अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। दीज लेटर्स आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, और इनको दो भागों में बांटा गया। जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसको दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा भॉवेल। भॉवेल को हम स्वर कहते हैं। तो पांच स्वर वर्ण हैं, पांच भॉवेल लेटर्स हैं इंग्लिश में। पहला है ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा यू ओ और पांचवा यू। इन ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितने भी 21 जो लेटर्स बचते हैं वो हमारा होता है कॉन्सोनेंट। व्यंजन, पांच स्वर वोवेल हुए और 21 जो है वो हमारे व्यंजन है। अब इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ए ई आई ओ यू स्वर क्यों है और बाकी के ये जो 21 हैं वो व्यंजन क्यों कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, भॉवेल उस वर्ण को कहते हैं, स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में हमें किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं लेनी पड़े। जैसे अंग्रेजी में पांच भॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू। इनका उच्चारण अपने स्वतंत्र के उच्चारण पर निर्भर करता है, इसलिए इनको भॉवेल कंसीडर किया जा सकता है। आप इसे इस डिस्प्ले को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ए ई आई ओ यू भॉवेल क्यों है और बाकी व्यंजन क्यों है। आप देख सकते हैं यहाँ ए है, ए को हम ए से ऐड करते हैं। अगर हम प्रोनंसिएशन करते हैं ए, तो ए के बाद कोई ध्वनि नहीं आती है। ए को ए से ऐड करने पर ए आता है, इसलिए ये भॉवेल हुआ। जबकि आप अगला एग्जांपल लीजिए बी, आप खुद स्पेल कीजिए, खुद उच्चारण कीजिए, तो आप देखिएगा बी, बी में ई जो है वो छुपा हुआ है। यानी बी के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए बी जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट हुआ। उसी तरीके से सी में ई छुपा हुआ है, डी में भी हमारा ई छुपा हुआ है, लेकिन ई स्वतंत्र है। ई अपने उच्चारण के लिए किसी भी दूसरे लेटर पर निर्भर नहीं है, इसलिए ई को भी भॉवेल की कैटेगरी में रखा गया है। फिर एफ, एफ में भी ए, जी, जी में भी ई छिपा हुआ है, एच में ए छिपा हुआ है, आई स्वतंत्र है इसलिए यह भॉवेल है, जे में भी ए है, उसी तरीके से के, एल, एम, एन, ओ, ओ ये भी स्वतंत्र है। ओ के उच्चारण में भी हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। अगला है पी, पी में भी ई हिडन है, क्यू, क्यू में यू हिडन है, आर, एस, टी, यू इंडिपेंडेंट है, ये किसी दूसरे लेटर पर निर्भर नहीं करता है अपने उच्चारण के लिए, यू, उसी तरीका से भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और अंत है हमारा जेड। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझे होंगे कि ए ई आई ओ यू ये पांच ऐसे लेटर हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और इसीलिए ये भॉवेल कहे जाते हैं, इसीलिए ये स्वर कहे जाते हैं। और इन पांचों के अलावा जो 21 लेटर्स हैं ये कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रामर का जो अगला सेक्शन है वो है एटिमोलॉजी। ऑर्थोग्राफी के बाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं एटिमोलॉजी को। इन दिस पार्ट ऑफ ग्रामर वी स्टडी अबाउट वर्ड्स। ग्रामर के इस हिस्से में हम शब्दों का अध्ययन करते हैं, शब्दों के बारे में, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे वर्ड्स, या फिर ऐसे कहिए कि ज़्यादातर वर्ड्स दूसरे भाषा या दूसरे देशों से लिए गए हैं।
तो ग्रामर के इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं भाषा की उत्पत्ति के बारे में, और भाषा समय के हिसाब से वर्ड्स के मतलब बदलते गए, स्पेलिंग्स बदलते गए, यूजेस बदलते गए। तो ग्रामर के इस सेक्शन में हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से समय के हिसाब से शब्द के अर्थ बदल गए, शब्द के स्पेलिंग बदल गए। जैसे कि आपको मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में जो स्कूल है उसका स्पेलिंग ये हुआ करता था, जो कि अब ये स्कूल जो है अब इसका स्पेलिंग हम ये लिखते हैं। यही नहीं, स्कूल का मतलब विद्यालय के अलावा विचारधारा भी होता था। ओल्ड इंग्लिश में स्कूल का सेंस विचारधारा से होता था, लेकिन आज स्कूल का अर्थ जो है वो विद्यालय हो गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज जिसे हम बस कहते हैं, ये बस बना है ओमनी बस से। ओल्ड इंग्लिश में ओमनी बस कहते थे, आज ये बस हो गया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको मैं एक अलग वीडियो, जो वीडियो पूरी तरह एटिमोलॉजी पर निर्भर करेगा, उसमें बताऊंगा कैसे कैबरलेट से कैब हो गया, कैसे ओमनी बस से बस हो गया। तो बेसिकली ग्रामर के इस सेक्शन में हम वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंटैक्स। स्टूडेंट्स, सिंटैक्स को हम वाक्य विचार कहते हैं। ग्रामर के इस पोर्शन में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, वाक्यों के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। एक उचित वाक्य बनाने के लिए वर्ड्स का क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, शब्दों का क्या संयोजन होना चाहिए, हम सब्जेक्ट कर्ता को कहाँ रखेंगे, कर्म को कहाँ रखेंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग कहाँ होगा, या फिर एक कर्ता अगर एक वचन रहे तो क्रिया भी हमारा एक वचन होना चाहिए, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होना चाहिए। यानी सेंटेंस को का फॉर्म करने का जो तरीका है, सेंटेंस के निर्माण का जो तरीका है, वो हम वर्ण विचार में पढ़ते हैं। इट डील्स विथ सेंटेंस, इट डिस्क्राइब अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वाक्यों में शब्दों का प्रॉपर अरेंजमेंट क्या हो, ये हम सिंटैक्स के माध्यम से पढ़ते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास तीन स्टेटमेंट है। पहला है आई एम अ बॉय, दूसरा है ए बॉय आई बॉय ए एम, और तीसरा है आई ए एम बॉय। अब इन तीनों में ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट इसलिए है क्योंकि हमने इस सेंटेंस में वर्ड को एक प्रॉपर वे में अरेंज किया है, जबकि ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं। आई बॉय ए एम भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगला जो सेंटेंस है आई ए एम बॉय, ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जिसका, लेकिन ये प्रॉपर वे में इसको अरेंज नहीं किया गया है, जिसके कारण इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो आई एम अ बॉय जो है, ये प्रॉपर वे में जो अरेंजमेंट है सेंटेंस का, इसके बारे में हम सिंटैक्स से ही सीखते हैं। ग्रामर के इस पोर्शन में बेसिकली हम सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग होता है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या लिंक होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है पंक्चुएशन। स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन, इन दिस सेगमेंट वी लर्न अबाउट साइन या मार्क्स। ग्रामर के इस हिस्से में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और इन चिन्हों का प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा में दो शब्द, सेंटेंस या फ्रेजेज के बीच एक बंटवारा करते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग करके हम शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों के बीच बंटवारा करते हैं, और ये चिन्ह जो होते हैं सेंटेंस का अर्थ को स्पष्ट करने में मददगार साबित होते हैं। जैसे यदि हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलें और उसके अंत में यदि हम क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह नहीं लगाएं तो वो एक सिंपल सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं पंक्चुएशन मार्क्स के। सबसे पहला है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ये बताता है
कि सेंटेंस जो है यहाँ पर एंड हो रहा है, सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है। यदि फुल स्टॉप न लगाया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस अभी आगे कंटिन्यू कर रहा है। इसके अलावा यदि हम सेंटेंस के दरमियान छोटा सा पॉज लेना चाहें तो हम वहाँ पर कामा का यूज़ करते हैं। फिर इसी तरीके से अगला है हमारा हाइफन। बेसिकली हाइफन का इस्तेमाल वर्ड्स के बीच होता है और ये है हमारा क्वेश्चन मार्क्स, जिसका प्रयोग से आप सभी फेमिलियर हैं। हालांकि मैं इन सभी जो ग्रामर के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने पीछे भी चर्चा किया, जैसे कि एटिमोलॉजी हुआ, ऑर्थोग्राफी हुआ या सिंटेक्स हुआ, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ये एक कॉन्साइज वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ ग्रामर का जो हमारा रूपरेखा है उसको प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोसोडी, जिसको हम हिंदी में छंद विचार कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोसोडी जिसे हम हिंदी में छंद विचार कहते हैं, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर का यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन विच वी लर्न अबाउट साउंड्स एंड रिदम इन पोएट्री। इस ग्रामर के इस सेगमेंट में हम कविता की पंक्तियाँ या कविता का जो छंद है या कविता में रिदम का इस्तेमाल कैसे होता है या फिर राइमिंग स्कीम क्या होती है, पोएट्री का जो लाइन है उसका लेंथ कितना होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर का, ये सबसे अंतिम सेगमेंट है और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोसोडी जो है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल या फिर इसकी पढ़ाई जो होती है वो हायर स्कूल्स में होती है। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हम सिर्फ प्रोसोडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ग्रामर के सिर्फ पार्ट्स के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। आप अगले वीडियो में हमें इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको जो है वो एक लार्ज लेवल पर, एक बड़े लेवल पर और विस्तृत रूप से इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।